गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो आपके कमेंट सेक्शन में, मैं अपने कमेंट सेक्शन में जाके मैं आपके जब कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ ना, मैंने वहाँ पे देखा इतना क्रेजी सपोर्ट है ना आप लोगों का, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से जितने भी लोग हैं, हिमाचल से और केरला साइड से, साउथ साइड से, हर जगह से इतना ऑसम सपोर्ट है ना कि मैं देख के मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी फील होता है। और आपको एक और चीज़ बतानी थी कि फाइनली जैसे कि कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता कि जो गूगल एडसेंस पिन आता है फिर उसके बाद जो है वो पेमेंट रिसीव होता है। सो हियर इज माय गूगल एडसेंस पिन फाइनली, इतने दिनों बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने व्लॉग्स डालने के बाद। तो ये देख लो, ये आ चुका है। और फ़ोन नंबर वगैरह है नहीं मेरा, तो कुछ लीक होगा नहीं। सो ये है गूगल एडसेंस पिन। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि अभी हम लोगों का प्लान बन रहा है मनाली साइड का या प्राशर का। तो मनाली का ऐसा है कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। मनाली का 50-50 हमने रखा है, या तो फिर शिमला होगा या फिर मनाली होगा या फिर प्राशर होगा। तो वो उसी के हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूँगी कि कब होगा कब नहीं होगा। मे बी हम मिड में भी आ सकते हैं या फिर 5-6 तारीख तक भी, डिपेंड करता है कि मैं कब तक अपना बाइक मॉडिफाई करा लेती हूँ। तो अभी हमारा प्लान है बाइक को मॉडिफाई कराने का, या तो फिर हम चंडीगढ़ जाके मॉडिफाई कराएंगे, ये प्लान है हमारा, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन मंगा लेते हैं और उसके बाद मॉडिफाई कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसके लिए सोच रखी है। और मेरे को नया हेलमेट भी लेना है, हेलमेट अपडेट करना है, क्योंकि ये वाला जो हेलमेट है मेरा, ये वाला हेलमेट थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि ये एल साइज़ है और इसमें गोप्रो लगा के इट बहुत ढीला हो जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपडेट कर दूँ मैं इसको, मतलब मैं सोच रही हूँ। सो इसके लिए हमने सोच रखा है अभी थोड़ा सा फॉग लाइट वगैरह लगाने के लिए। और ये वाला गार्ड चेंज करके हम सोच रहे हैं कि क्रैश गार्ड लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हमारी 2-3 राइड ऐसी है जो हमने प्लान कर रखा है, थोड़ा सा टफ है वो, तो उसके लिए बाइक के पूरा प्रोटेक्शन लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर क्रैश गार्ड वगैरह ये लगा देंगे। एंड टैंक बैग हो गया, क्रैश गार्ड हो गया और फॉग लाइट हो गया। और ये हेलोजन भी चेंज करना है क्योंकि इससे कुछ दिखता नहीं है रात को, पता नहीं कहाँ जा रहा होता है ये। और ये जो फॉग लाइट लगा है ये भी पता नहीं कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहा होता है, हमें पता ही नहीं लगता है। सो अभी हम सोच रहे हैं कि ये चेंज कर लेंगे। एंड हियर वी हैव रोहित थापा और रोहित थापा की बाइक। तो यही दो बाइक जो आपको व्लॉग में ज़्यादा दिखती होगी, क्योंकि अभी हम लोग ही हैं, बाकी लोग हैं नहीं अभी। तो मैक्स टू मैक्स फैब मेरे बर्थडे मंथ तक शायद हमारी बहन वगैरह भी और भाई वगैरह भी आ जाए मेरे, तो तब उसके बाद हमारा प्लान है ढांसू सा। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये प्लान है कि हम मनाली या फिर प्राशर लेके मतलब जा सकते हैं। अब रोहित अभी हम लोग हैं कुछ ऐसे लोकेशन में, ये देख लो, तो ऐसे लोकेशन में हम लोग बैठे हुए अभी। फ़िलहाल हमें ये शूट करना था इसलिए आए थे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत रील वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी प्लान फिक्स्ड नहीं है, तो देखते हैं। आप लोग कमेंट करना जो भी शिमला मनाली प्राशर से होंगे। वैसे मैक्स टू मैक्स हमारा प्लान शायद है ना, ओए मनाली को भी सकते नहीं, हाँ मैक्स टू मैक्स मनाली का हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, स्टे कनेक्टेड इन द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस लोकेशन से, यहाँ पे हम बैठे थे। हेलो मैं, हेलो रोहित के दोस्तों, हेलो रोहित के दोस्तों, हेलो रोहित का साथी अरु कस्तो छति भी दोस्त ये रोहित। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इस लोकेशन से क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ शूट करना था, इसलिए हम यहाँ पे आए थे, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा आता है इसलिए बोल के। अब देखा नहीं मैंने कैसा आया है, तो अब आप लोग ब्लॉग में देखना। और रियली यार थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से भी एकदम क्रेजी सपोर्ट है आप लोगों का, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग प्लान भी बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह का। तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताना कि क्या सीन है। अभी हम प्लान कर रहे हैं मनाली प्राशर या फिर चंबा साइड का भी हो सकता है, कुछ श्योरिटी नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कहाँ कहाँ आना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा कमेंट आएगा फिर हम वहीं पे आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो गाइस ऐसा कुछ लोकेशन है, इस एरिया को बोलते हैं मोली, एंड ये बहुत ऑसम जगह है। शाम को यहाँ पे इतने लोग होते हैं ना अभी वॉकिंग टाइम पे, एंड यहाँ से देखो ऊपर माउंटेन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और मोस्टली हम लोग तो यहीं पे आते हैं, मोस्टली लोग इसी साइड आते हैं क्योंकि यहाँ से खनारा वाला एरिया भी जाता है, एंड इधर कैफेज़ वगैरह भी है बहुत सारे। सो बहुत लोग आते हैं, और मोस्टली सैटरडे संडे को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि सैटरडे संडे को सबकी छुट्टी होती है ना, इसकी वजह से। व्हाट द हेल अंकल,
तो अभी फिलहाल हम लोग आगे जा रहे हैं शॉप में। अभी एक और चीज़ हो रही है, मेरे बाइक में आगे से बहुत आवाज़ आ रही है खड़खड़ खड़खड़ होने की। आई डोंट नो क्या रीज़न है इसके पीछे। और जब भी हम रॉयल एनफील्ड में जाके दिखाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं है, बट आ रही है। अभी तो देखो रोड भी कितना प्लेन है, फिर भी ऐसे आवाज़ पता नहीं क्यों आ रही है, आई डोंट नो। अब जब हम लोग टूर में जाएंगे और जब हम इसको मॉडिफाई कराने के लिए लेके जाएंगे ना, तो तभी देखेंगे लगाएंगे और तभी देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आगे से आवाज़ आ रही है। और मैं नहीं चाहती कि हम इतना यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली मनाली होगा 250 किलोमीटर होगा यहाँ से, मतलब 250 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो मैं नहीं चाहती कि उस राइड में मेरे को कोई भी दिक्कत या परेशानी आए, क्योंकि मेरे को ऐसे कोई परेशानी लेके जाने का मन नहीं है राइड पे। और बाकी तो यही है, अभी देखते हैं और क्या होता है। या तो मैं सैडल बैग ले लूँगी, सैडल बैग वगैरह भी लगा के जाऊँगी साइड में। और तय भी, अभी तो मेरे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे मैं बिल्कुल जा ही नहीं रही हूँ। मेरा मन ही नहीं करता यार एक तो क्लासेस लगाने का, पता नहीं क्यों मेरे को बोरिंग लगता है। बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल तो बस यही प्लान है कि मनाली तक का या फिर प्राशर का हो सकता है या फिर चंबा का। आज मैं लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम के मैं आप बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है फोरा बेट, जिसे खेल के आप लोग बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट अर्न कर सकते हो और वहाँ से कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। सो आप देख लो, मैंने ये वॉच लिया है, ब्रांड न्यू वॉच है, तो मैंने फोरा बेट में खेल के ये वॉच अर्न किया है। सो आप भी जल्दी से जल्दी जाओ और यहाँ से कैश अर्न करो। सो या गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और कमेंट सेक्शन में होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाइए और लिंक को डाउनलोड कीजिए। सो गाइस, अभी हमारा फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुका है, इसका मतलब कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी हमने इन्वेस्ट किए हैं 1200 रुपीज, तो देखते हैं हमारा ग्राफ कहाँ तक जाता है और हम कितने अर्न कर सकते हैं इससे। और ये पैसे हम कैश आउट भी करा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में इजिली। सो यस, हमने जीती है 3264 रुपीज इससे। और नेक्स्ट राउंड खेलते हैं दोबारा। सो हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया। ओह नो, हम इसमें हार चुके हैं, एक और राउंड खेलते हैं। यस, फिर से फ्लाइट हमारा टेक ऑफ कर चुका है, इस टाइम पे हमने इन्वेस्ट किया 4200 रुपीज। और ये हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हम इसको कैश आउट पे करा सकते हैं। सो अभी हमने जीत लिया है 8400 रुपीज, तो इसको हम इजिली अपने बैंक अकाउंट में कैश आउट भी करा सकते हैं और विड्रॉल करा सकते हैं। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाइए और फोरा बेट को डाउनलोड करिए। और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और आप भी अमेजिंग गिफ्ट खरीद सकते हैं ऐसे और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग थे टी गार्डन में, ये देखो कुछ ऐसे लोकेशन में थे। और ये यहाँ से वहाँ तक है टी गार्डन, यहाँ से भी ओ आगे तक है। और यहाँ पे हम लोग शूट करने आए थे ऐसे ही। और आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि आज बहुत रैंडम शूट हो रहा है हमारा, और ब्लॉग भी आज मेरा शूट करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि आज कोई कॉन्टेंट नहीं था, वो तो हम रैंडमली आ रहे थे, तो मैंने सोचा वाई नॉट, तो एक कर ही लेते ब्लॉग भी शूट कर ही लेते, क्योंकि मेरा एडसेंट पिन आ गया था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट कर ही लिया। तो अभी हमने यहाँ पे रील्स वगैरह बहुत अच्छा शूट किया, अगर आपको देखना है वो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, और मेरे इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड सिनेमैटिक तो आपने देख ही लिए होंगे कि कितने अच्छे सिनेमैटिक्स आए थे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ एरिया है जो धर्मशाला में पड़ता है, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सी लोकेशन है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि मुझे कुछ काम है एंड बाइक में पेट्रोल भी भरवाना है। और अभी शूट वगैरह कंप्लीट हो चुका है हमारा, सिनेमैटिक्स वगैरह हमने ले लिए थे, अभी हम लोग जा रहे थे घर, और घर जाके देखते हैं फिर वो पेन भी ओपन करके देखेंगे। तो या गाइस, और ये ब्लॉग बहुत छोटा सा हुआ होगा, क्योंकि आई रियली डोंट नो कि क्या करूँ आज क्या नहीं, आज बिजी थी मैं थोड़ा सा इसीलिए, तो रैंडम सा शूट हो गया ये आज। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सा फील भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस लेवल पे आऊँगी, और इस लेवल पे आने के लिए बहुत लोगों का हाथ है पीछे, अभी नहीं बताऊँगी बाद में बताऊँगी इन फ्यूचर, तो बस ये है। बट अभी थोड़ा सा मैं इमोशनल सा फील कर रही हूँ, ये देखो मेरे आँखों में, क्योंकि इस लेवल पे आना इज़ लाइक वेरी टफ, क्योंकि बहुत सारे लोग
का सपना होता है इतना भी करना, और मैं वो कर रही हूँ तो बहुत इमोशनल सा फील हो रहा है मेरे को अंदर से अभी फिलहाल। तो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो फर्दर और अभी चलते हैं घर। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत ज़्यादा क्रेजी सपोर्ट आप लोग जो दिखा रहे हो, बस ऐसे दिखाते रहना। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से उसमें आना चाहिए, हमारा प्लान तो मनाली का भी बन रहा है, देखते क्या होता है। सो स्टे कनेक्टेड एंड कमेंट डाउन बिलो। हे गाइस, सो आई एम बैक होम और अभी मतलब मेरे को वीडियो एडिट करनी है तो मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ। और बस ये आज के व्लॉग में इतना ही था, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज सिंपल सा व्लॉग था, आज कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस जो भी मेरे दिल के करीब था मैंने आप लोगों को बता दिया। सो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जान के, इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ पैसली से, लुक एट हर, ये मेरे साथ ही मेरे रूम में होती है। तो ऐसे सॉरी शूनी, मैं शूनी बेटा तो उसको सोने देते हैं और हम इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। सो आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एंड जो भी पहले सब कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी, और बैकग्राउंड में नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे हमारे बगल में शादी है, इसकी वजह से डीजे का साउंड आ रहा है। सो या गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस, बाय।